शांति। हम एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे सीधा होकर बैठें हम किसी भी कार्य की शुरुआत मन की स्थिरता से करते हैं चाहे वो दिन की सुबह हो चाहे वो बिग बिजनेस मीटिंग हो हमेशा शुरुआत एक मिनट के लिए चारों तरफ से अपने ध्यान को हटाकर अपने पर केंद्रित करें। Bring योर अटेंशन टू the ऑफ द फोर हेड आत्मा का रहने का स्थान है मुझ आत्मा का रहने का स्थान है और विजुअलाइज करें जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ देखें कि मैं शक्ति जो इस शरीर को चलाती है जो रिश्ते निभाती है जो कार्य व्यवहार करती है अलग अलग रोल्स अलग अलग रिलेशनशिप्स सब कुछ करने वाली शक्ति ये शक्ति मैं आत्मा हूँ देखें अपने आप को इन द सेंटर ऑफ द फोर हेड के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ इस संकल्प को दोहराइएगा मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ मेरा जीवन इस कमल फूल के समान है कमल फूल कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी उससे डिटैच्ड है न्यारा है मेरा जीवन कमल फूल के समान है सब कुछ करते हुए सबके बीच रहते हुए व्यापार कारोबार करते हुए किसी भी विकार से नेगेटिविटी से अनटच्ड प्योर लाइक अ लोटस फ्लावर अनटचड दुनिया से दूर नहीं दुनिया के बीच दुनिया से संन्यास नहीं दुनिया के बीच लेकिन दुनिया के बीच रहते हुए हर नकारात्मकता से सन्यास एवरी नेगेटिव थॉट एंड फीलिंग intention and behaviour untouched मैं शुद्ध पवित्र आत्मा कमल पुष्प के समान हूँ ओम शांति जब हम इस शब्द को सुनते हैं समृद्ध प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस तो प्रॉस्पेरिटी शब्द सुनते ही अटेंशन बाहर की तरफ चला जाता है और वो प्रॉस्पेरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी है मेरे रोल के मेरे पोजीशन के वो प्रॉस्पेरिटी है लेकिन एक क्षण के लिए अपने आप से पूछिए मैं आत्मा समृद्ध इसका मीनिंग क्या होगा हमारा ध्यान स्टेज पर है वो लैंप उठा लेंगे हमें उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं मन को जहाँ जाने की जरूरत नहीं उसे वहाँ जाने देना नहीं नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर भागता रहेगा और जितना वो यहाँ वहाँ भागता रहेगा आत्मिक शक्ति घटती जाएगी अगले एक घंटे में कोई उठेगा कोई बैठेगा कोई चलेगा कोई दरवाज़ा खोलेगा कोई फ़ोन बजेगा <laughs> वो सब कुछ होगा हम कोशिश करते हैं हमेशा सबको बोलने के लिए कि बीच में नहीं उठो नहीं हेलो बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू हैव टू स्टॉप सेइंग इट टू द वर्ल्ड क्योंकि उनके पास भी उठने के लिए कोई कारण होता है कोई वजह होती है हर एक के पास एक वजह है वो जो कर रहे हैं उसके लिए लेकिन वो उठें वो बैठें लेकिन मेरा मन उठक बैठक नहीं करे क्या हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगले एक घंटे के लिए यस yes? और आप एक घंटे में देखेंगे कि एक्चुअली ये मन इतना शक्तिशाली है लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और फिर हम कहते हैं मन तो चंचल है मन तो एक घोड़ा है यहाँ वहाँ भागता रहता है मन जैसा प्यारा दोस्त तो कोई और है ही नहीं जो हर कहना मेरा मानता है एक मन ही है मेरा जो हर कहना मानता है प्रोवाइडेड हम उसको बताएँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्या सही है क्या गलत है मैं आत्मा समृद्ध इसका मीनिंग क्या होगा क्या हो गया इतना साइलेंस एक बिजनेसमैन समृद्ध ये तो पता है लेकिन उसमें कभी भी उतार चढ़ाव बातें आती रह सकती हैं लेकिन मैं आत्मा समृद्ध इसका मीनिंग क्या होगा बाह्य हाँ बाह्य समृद्धि का मीनिंग क्या होता है भरपूरता कमी नहीं प्रॉस्पेरिटी अबंडस भरपूरता और जिसके पास भरपूरता होगी वो सबको वो सबको देने वाला होगा क्योंकि भरपूर है तो वो सबको देने वाला होगा तो समृद्धि अर्थात दरवाज़ा खुलता रहेगा लोग आना जाना करते रहेंगे जिसके पास बाह्य समृद्धि है वो भरपूर है और वो सदा सबको देने वाला है उसका हाथ कभी ऐसे नहीं होता है राइट right? है अगर किसी का हाथ ऐसे होता है तो हम उसको समृद्धि नहीं कहेंगे अब इसी को आत्मा के लेवल पर ले आओ धन संपत्ति पर सहज मैं आत्मा समृद्ध अर्थात द सोल, फुल कंप्लीट परफेक्ट तो जीवन कैसा होगा जीवन कैसा होगा बहुत अच्छा तो होगा ही होगा लेकिन क्या अच्छा होगा वट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस मैं आत्मा भरपूर नहीं तो जीवन कैसा होता है और मैं आत्मा भरपूर तो जीवन कैसा होता है मैं आत्मा भरपूर तो मैं भी ऐसे होंगी क्या देने वाली होंगी मैं आत्मा और जब मैं आत्मा भरपूर नहीं तो मैं ऐसे हो जाती हूँ क्या मांगने वाली हो जाती हूँ मैं आत्मा क्या मांगते हैं आजकल सारा दिन कुछ चाहिए दुनिया से आपको लोगों से कुछ चाहिए जस्ट चेक करो चाहिए इक्वल्स टू क्या 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 चाहिए हाँ जी शांति चाहिए और क्या चाहिए प्यार भी चाहिए और क्या चाहिए अच्छा खुशी भी चाहिए और क्या चाहिए रिस्पेक्ट भी चाहिए ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट भी चाहिए और कुछ चाहिए तो प्यार चाहिए प्लीज चाहिए हैप्पीनेस चाहिए, चाहिए रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ चाहिए ब्लेसिंग्स yes. भी चाहिए वेरी गुड और क्या चाहिए अच्छा अटेंशन भी चाहिए वेरी गुड ऑफकोर्स अटेंशन भी चाहिए तो अटेंशन चाहिए होगा उसके बाद अप्रिसिएशन भी चाहिए होगा इतनी मेहनत की इतना प्रोजेक्ट किया इतना सेवा किया किसी ने एक एक्सेप्टेंस भी चाहिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए किस किस को चाहिए ये प्यार रिस्पेक्ट लव एक्सेप्टेंस अटेंशन अप्रिसिएशन जरा हाथ उठाना कि हमें चाहिए अच्छे से उठाओ फ़ोटो खींचे आपकी अभी ऊपर <laughs> ऊपर हाथ उठाओ ऊपर गैलरी में जो बैठे सभी हाथ उठाओ किससे चाहिए किससे चाहिए जो साथ में बैठे हैं उनसे चाहिए बट आपने देखा नहीं उन्होंने भी हाथ उठाया था अभी तो जो मांगने वाला होता है वो भी सोच समझ के मांगता है वो किससे मांगता है हाँ आप बाहर सड़क पे जाएंगे कुछ लोग खिड़की पर खटखटाएंगे लेकिन उनको पता होता है किसकी खिड़की पर खटखटाना है वो एक दूसरे को थोड़ी खटखटा रहे हैं उनको दिख रहा है किसके पास है उससे मुझे मांगना है और वो परसिस्टेंटली मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे जब तक हम थक कर खिड़की खोल कर उनको कुछ देते नहीं हैं हम भी मांग रहे हैं और परसिस्टेंटली मांगते रहते हैं लेकिन सिर्फ छोटी सी गलती जो हम ये करते हैं कि मांगने के समय हम ये भी नहीं देख रहे कि हम किससे मांग रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं क्या वो देने वाली साइड पर खड़ा हुआ है और जो खुद मांग रहा हो उससे अगर मांगेंगे तो फिर झगड़ा तो होगा ही होगा और कभी कभी तो हम किसी के सामने मांगने के लिए खड़े होते हैं लेकिन वो हमारे से भी ज्यादा खाली होते हैं तो हमारे पास जो थोड़ा सा होता है वो भी वो उठा के ले जाते हैं आप कहेंगे मेरा मूड ठीक था इनसे मिलके तो और भी ज्यादा खराब हो गया मतलब जो मेरे पास थोड़ा था वो भी वो लेकर चले गए तो आत्म समृद्ध मीनिंग अब तो इजी है अब तो इजी है समृद्ध मीनिंग कंटेंटमेंट वेरी गुड और देखा कितना इजी है आत्मा समृद्ध कंटेंटमेंट समृद्ध पावरफुल समृद्ध आत्मा समृद्ध ऑलवेज अ गिवर ऑलवेज अ गिवर हाथ हमेशा ऐसे ये वाला हाथ नहीं कौन सा वाला हाथ बुद्धि रूपी हाथ तो शिफ्टिंग फ्रॉम आई वॉन्ट लव टू बोलिए आई गिव लव आई वॉन्ट रिस्पेक्ट आई गिव रिस्पेक्ट आई वॉन्ट पीस I give peace. I want appreciation. वो धीमी क्यों हो गई आपकी आवाज I give appreciation. I want nothing. Is that okay? Is that okay? Not okay? क्यों ऐसे अच्छा लगता है ऐसे अच्छा लगता है या ऐसे अच्छा लगता है फायदा क्या हुआ कभी हमने सोचा फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की इतना कमाया और इतना कमाने के बाद ऐसे ही खड़े होना था फिर फायदा क्या हुआ क्योंकि छोटी सी गलती ये की कि, कि सब कुछ कमाते समय सिर्फ बाहर कमाने पर अटेंशन रखा आंतरिक स्थिति पर कमाने का अटेंशन नहीं रखा जहाँ भी हम अटेंशन रखेंगे जहाँ भी हम मेहनत करेंगे हम सफलता को पाएंगे एक मकान है उसके दो गार्डन हैं एक आगे है एक पीछे है जो आगे वाला गार्डन है उसमें हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारा परिवार हमारा काम कारोबार मकान सब कुछ आगे है आगे वाला गार्डन सबको दिखाई देता है चलते फिरते लोग कहते हैं वेरी ब्यूटीफुल गार्डन वेरी ब्यूटीफुल गार्डन सब उसकी बड़ी महिमा करते हैं तो हम अपना सारा टाइम आगे वाले गार्डन में स्पेंड करते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बनाना है चलते फिरते सारे देखते हैं उसकी महिमा भी करते हैं पीछे भी एक छोटा सा गार्डन है और उस पीछे वाले गार्डन में है हमारे संकल्प थॉट्स हमारी फीलिंग्स हमारी भावनाएं हमारी इंटेंशंस हमारी मेमोरीज ये सब पीछे वाले गार्डन में हैं सारा दिन में हम कितना समय आगे वाले गार्डन में बिताते हैं और कितना समय पीछे वाले गार्डन का ध्यान रखने में बिताते हैं और क्योंकि हम पीछे वाले गार्डन में ज़्यादा समय नहीं जा पाते हैं तो अब उस गार्डन में फूलों की बजाय फूलों की बजाय क्या आने लग गया कांटे है कांटे हैं और वो कांटे किसको चुपते हैं वो कांटे खुद को चुपते हैं फिर भी हम आगे के गार्डन में खड़े हुए हैं सिर्फ क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती की थी हमने सोचा था जब आगे वाला गार्डन सुंदर होगा तो पीछे वाला तो अपने आप सुंदर हो जाएगा सो वेन आई विल डू वेल आई विल बी हैप्पी वेन आई विल डू वेल एंड आई रिलेशनशिप्स आई विल गेट लव तो हमने सोचा आगे वाले गार्डन पे मेहनत कर दो तो, पीछे वाला गार्डन तो अपने आप बन जाएगा तो हमने आगे वाले गार्डन पे बहुत मेहनत की और हमारे मेहनत का रिजल्ट आगे वाला गार्डन बहुत ब्यूटीफुल हो गया बट पीछे वाला गार्डन नहीं हुआ अगर होता तो आज ये हॉल खाली होता हम यहाँ आज ना होते अगर आत्मा भरपूर होती हम आज यहाँ ना बैठे होते विच इज अ साइन लेकिन आज यहाँ आना इज़ अ साइन कि हम अपने पीछे वाले गार्डन पर काम करने के लिए तैयार हैं हम कांटों को निकाल कर कांटों को निकाल कर वहाँ ख़ूबसूरत फूल बनाने के लिए तैयार हैं तो आप रेडी हैं पीछे वाले गार्डन के लिए टाइम देने के लिए आगे वाला गार्डन हमारा कितना टाइम लेता है अगर हम देखें चौबीस घंटे हम आगे वाले गार्डन में हैं सोते हैं तो शरीर के लिए खाते हैं तो शरीर के लिए काम करते हैं तो शरीर शरीर मतलब एवरीथिंग दैट इज फिजिकल अब एक इक्वेशन बताइएगा अगर आगे वाला गार्डन अच्छा है तो पीछे वाला गार्डन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा क्या ये राइट है या अगर पीछे वाला गार्डन अच्छा है तो आगे वाला गार्डन और अच्छा हो जाएगा दोनों तो में से कौन सा राइट है आपने कभी रियलाइज किया कि हमें सब कुछ आता है वी नो एवरीथिंग वी एक्चुअली नो एवरी थिंग इट्स जस्ट दैट वी डोंट पॉज टू यूज वट वी नो एंड दूसरा रीजन ये हुआ कि सब लोग दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं तो हमें लगा सब सही डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो हम भी भाग रहे हैं किसी को कहो आजकल स्पेशली जो बिजनेस करते हैं टाइम पे सो जाओ काम पूरा हो जाएगा तो सो जाएंगे खाना खा लो काम पूरा हो जाएगा तो खा लेंगे थोड़ा रेस्ट कर लो काम पूरा हो जाएगा तो कर लेंगे परिवार के साथ समय बिता लो काम पूरा हो जाएगा तो कर लेंगे तो प्रायोरिटी कौन हो गई काम काम प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए काम प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए काम प्रायरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये टेबल है इट्स स्टैंडिंग ऑन फोर लेग्स अगर हम इसकी एक लेग पर ही काम करें और उस एक लेग को लंबा 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 बनाते जाएं, और बाकी तीन लेग छोटू से रह जाएं, तो ये टेबल कोई काम की रहेगी ये टेबल काम की तभी है जब फोर लेग्स इक्वल हैं अगर इसमें से थोड़ा भी कम ज़्यादा होता है तो टेबल ऐसे 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 होते रहते हैं कोई काम के नहीं रहते है। आज हमारी जीवन में भी यही हो गया है हमारी जीवन के भी चार स्तंभ हैं हमारे मन की स्थिति हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे रिश्ते और हमारा काम माइंड बॉडी रिलेशनशिप्स वर्क हमने एक पांग पर इतना मेहनत किया इतना मेहनत किया कि बाकी तीन पर असर आना शुरू हो चुका है लगता है कि नहीं आना हो चुका है माइंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं डिप्रेशन कॉमन होने लग गया है छोटे छोटे बच्चे कहते हैं एंग्जाइटी हो रही है बॉडी इस रूम में कौन है जिसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी है कभी दवा या कुछ और होता ही नहीं कभी कोई दर्द दुर्द होता ही नहीं है और रिश्ते तो हमें पता है क्या हो रहा है तो क्या ये समृद्धि है क्या ये हमारी प्रॉस्पेरिटी है कि हमारे देश में डिप्रेशन बढ़ गया डायबिटीज़ बढ़ गया डिवोर्स बढ़ गया ये हमारी सक्सेस का रिजल्ट है इससे तो फिर शायद हम तीस चालीस साल पहले ही बेटर थे नहीं थे नहीं थे हमें तो टेंशन वर्ड भी नहीं पता था कैंसर कि किसी को होता तो तो वो एक रेयर चीज़ लगती थी डिप्रेशन तो खैर मालूम ही नहीं था सो इट्स टाइम टू पॉज एंड चेक कि जब मैंने इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की इतनी मेहनत की तो जिस चीज़ पर मेहनत की वो प्राप्त, प्राप्त किया लाइफ में कुछ नहीं होगा डू मरे नहीं गिरेगा गिरेगा तो टूट गया टूट गया, गया तो ठीक है क्या हमने सक्सेस प्राप्त की यस yes. क्या हुआ कुछ पीछे हुआ है आपके लिए ठीक हो गया कुछ हुआ okay. Everything is fine, है ओके एवरीथिंग इज़ फाइन ना ऑल गुड सब ठीक है एवरीथिंग इज़ फाइन डू यू वांट टू डू समथिंग ठीक है आपको डर लग रहा है तो आप ऑफ कर दो बिल्कुल ठीक है आपको लगता है मेरे सिर पे ये लाइट गिरेगी सोचेंगे तो गिरेगी जरूर अगर आप हजार लोग बोलकर बैठ कर सोचेंगे ना गिरी तो गिरी तो गिरी तो पक्का गिरेगी फिर संकल्पों पर अटेंशन रखना चाहिए परिस्थितियाँ आती हैं परिस्थिति चली जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान नहीं रखना चाहिए ध्यान हमें रखना चाहिए लेकिन बाहर का ध्यान रखते हुए अपने मन का ध्यान उससे भी ज़्यादा रखना चाहिए बाहर की ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं अब कितनी भी तैयारी कर लो किसी ने सोचा था कि बीच में टूट के गिर जाएगा नहीं दैट इज़ लाइफ दैट इज़ लाइफ कि आप कितनी भी मेहनत कर लो कितनी भी तैयारी कर लो बाहर की दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है कभी कोई चीज़ टूट सकती है कभी ये स्टेज टूट सकता है कभी बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है कभी शरीर में बीमारी आ सकती है और कभी हमारा परिवार का सदस्य हमें छोड़कर आगे चला जाता है लाइफ डजेंट गो एज़ पर वॉट आई प्लान इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल बट जब कुछ होता है तो देर इज ओनली वन थिंग विच इज़ इन माई कंट्रोल एंड वॉट इज दैट What is that? Stable. Stable. नहीं तो अगर हर सीन में मेरे मन की स्थिति हिलती है तो बाहर तो कमा लेंगे सारा कुछ लेकिन अंदर क्या होते जाते हैं धीरे धीरे खाली होते जाते हैं और जितना हम अंदर खाली होते जाते हैं उतना हमारे संकल्प और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए आज नेगेटिव थिंकिंग नॉर्मल हो गया है कि कोई भी बात आती है तो नेगेटिव थॉट पहले आती है मेहनत करके फिर राइट सोचना पड़ता है दो साइंस हैं चेक करने के लिए कि मेरा मन कितना पावरफुल है एक हम कितना ज़्यादा सोचते हैं हर बात के बारे में हम कितना ज्यादा सोचते हैं हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप ज़्यादा सोचते हो उठा लो एवरी थिंग इज राइट हम आए ही अपने पीछे गार्डन का ध्यान रखने के लिए हैं आज अगर पीछे के गार्डन पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो वीड्स तो निकल ही आएंगे ना लेकिन उससे क्या हुआ हम उसको तो निकालने के लिए आए हैं ना? तो मुझे पता तो होना चाहिए ना लेकिन मेरे मन की स्थिति क्या है तो मन की शक्ति घटना अर्थात ज़्यादा सोचना और जब हम ज़्यादा सोचते हैं उसका मीनिंग ही है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्वालिटी ऑफ थाट्स लोअर है क्वालिटी ऑफ थाट्स हायर होगी तो कभी ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस हॉल में एंटर करो एक थॉट क्रिएट करो बहुत सुंदर है एक दो थाट में फुल स्टॉप अब इस हॉल में एंटर करो इसकी गलतियां निकालो ये भी ऐसा नहीं वो भी नहीं ऐसा नहीं बहुत टेन ट्वेंटी थाट्स ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे सो ऑलवेज चेक वेन योर माइंड इज थिंकिंग टू मच इट मीन्स इट इज थिंकिंग नेगेटिव आप अपने मन की गति को रोक नहीं सकेंगे यू कैन नॉट स्टॉप योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग यू कैन नॉट सप्रेस योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग लेकिन आप सिर्फ राइट सोचना शुरू कर दो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। स्पीड अपने आप कम हो जाएगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितनी स्पीड कम होती जाएगी अंदर की भरपूरता बढ़ती जाएगी और जितनी भरपूरता बढ़ती जाएगी हम ऐसे से ऐसे होते जाएंगे जीवन में अचानक कोई भी सिचुएशन आ सकती है और जब भी कोई सिचुएशन आती है हम देखते हैं कि इसके लिए ब्लेम किसको करें कहते हैं ना ये किसकी वजह से हुआ ये इसकी वजह से हुआ इसकी वजह से हुआ इसकी वजह से हुआ इसकी वजह से हुआ और जब कोई थोड़ी बड़ी सिचुएशन आती है जिसके लिए हम यहाँ वहाँ उंगली नहीं रख सकते हैं तो फिर हम उंगली कहाँ रख देते हैं कहाँ रख देते हैं ये लाइट किसकी वजह से टूटी ये लाइट किसकी वजह से टूटी क्या लगता है किसकी वजह से टूटी उसकी मर्जी बचपन से ही सुन लिया था कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है एवरी थिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल राइट पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है राइट 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 पीछे ऊपर yes. अगर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा होता तो ये लाइट टूटती ना क्यों तोड़ेगा वो लाइट ऊपर से बैठ के मतलब क्या मजा आया उसको ये करके कभी सोचते क्यों नहीं हम ऐसा वो बैठे बैठे ऊपर से लाइट तोड़ देगा चलो बोर हो रहा हूं इनकी लाइट तोड़ता हूँ ऐसे एवरी थिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल इसका मीनिंग क्या है आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है इतना कुछ हो रहा है एक भी दिन नहीं है जहाँ सृष्टि पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो कभी इस देश में कभी उस देश में कभी शहर में कभी अपने घर में इतना कुछ हो रहा है इतना कुछ हो रहा है और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए हम कहते हैं ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो सृष्टि कैसी होती अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा होता तो दुनिया कैसी होती दुनिया कैसी होती परफेक्ट होती और दुनिया परफेक्ट नहीं है आज तो हम ऐसे समय से चल रहे हैं कि आप किसी के भी घर का दरवाजा खटका के पूछ लो कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग फॉर एवरी फैमिली मेम्बर इज परफेक्ट नहीं तो हम ऐसे समय पर पहुंचे हैं कि शायद ही कोई घर मिलेगा जहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो और बाहर सब कुछ परफेक्ट चल भी रहा हो लेकिन माइंड भी तो परफेक्ट चलना चाहिए ना और इस सब के लिए हमने कह दिया ये सब कुछ उसकी मर्जी से अगर भगवान की मर्ज़ी से दुनिया चलती तो दो क्राइटेरिया होते एक तो सब कुछ परफेक्ट होता एंड दूसरा सबके लिए इक्वल होता If God had to write the destiny, then He will write equal for everybody, ना ऐसे थोड़ी आप के लिए ज़्यादा मेरे लिए कम that is to not fair. ऐसे कैसे हो सकता है कोई सौ वर्ष तक healthy है और कोई बच्चा आया ही बीमारी के साथ है ये कैसे हुआ कोई आया तो उसके लिए बीस लोग थे उसके परिवार में उसको लाड प्यार करने के लिए और कोई आया तो उसके पास माँ भी नहीं है उसको उठाने के लिए ऐसे कैसे डिसाइड होता है कोई आया तो वो ऐसे मकान में पैदा हुआ जिसका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कोई आया तो उसको आते ही खाने के लिए भी नहीं है ये कौन डिसाइड करता है ये कौन डिसाइड करता है बोलिए ये कौन डिसाइड करता है कर्म तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये सब कुछ वो डिसाइड करता है तो चेंज करना पड़ेगा ना सो so, दो कॉन्सेप्ट हैं दो बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुने थे एक है एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय एंड एक है एज़ इज माई कर्म सो इज माई कॉन्सिक्वेंस जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं कभी कभी हमारे से गलतियाँ होती हैं तो कर्म हमारे परफेक्ट नहीं हैं और दूसरा कर्म हमारे एक जैसे नहीं है इक्वल नहीं है तो इसीलिए डेस्टिनी भी परफेक्ट नहीं है और डेस्टिनी भी इक्वल नहीं है तो दोनों में से कौन सा राइट है

तो प्रीवियस जन्म भी तो कर्म हमने किए थे ना भगवान ने थोड़े किए थे तो वो भी तो मेरे ही कर्म होए ना तो उसमें भी उसने नहीं किया है अगर उसके पास पावर हो तो फिर अगर मैंने कर्म किए भी होते ना गलत तो वो उसको नलिफाई करके मुझे नेक्स्ट बर्थ हेल्दी दे देता आप अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देते हैं ना कर देते हैं लेकिन फिर भी आप उनके कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके लाइफ में आने से रोक नहीं सकते आप माफ़ कर सकते हैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंस फिर भी आएगा ही आएगा सो इट इज ओनली वन एंड वन थिंग माई प्रीवियस जन्म इज ऑल्सो माई कर्म माई कर्म तो जब हमें यह याद रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं तो आज मैं इस शरीर में हूं इसके पहले मैं दूसरे शरीर में थी और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ संस्कार और कर्म। दुनिया कहती है खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे सच तो नहीं है हाँ ये सारा बिजनेस तो यहीं छोड़ कर जाएंगे एक बिजनेस है जो हम यहाँ छोड़ कर जाएंगे और एक बिजनेस है जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे तो जो बिजनेस इन आंखों से दिखाई देता है वो यहाँ रह जाएगा आपके बच्चे मौज उड़ाएंगे विच इज गुड उनको देकर जाइए लेकिन जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं वो वो है जो दिखाई देता है लेकिन आप हर कर्म कैसा करते हैं वो आपके साथ जाएगा उसमें आपके बच्चे आपके भागीदार बनने वाले नहीं हैं तो जब आप अपना ध्यान न रखकर नहीं मुझे काम करना है काम करना है काम करना है आराम नहीं करना ये नहीं करना वो नहीं करना काम करना है याद रखना सब कुछ जो कमा रहे हो वो बच्चों के पास जाएगा और कर्म जो कर रहे हो वो आपके साथ जाएगा उसके भागीदार उन्होंने बनना नहीं है आपके साथ तो थोड़ा सा अटेंशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए यस तो दो बिजनेस चल रहे हैं एक हेयर प्रॉफिट एंड लॉस और एक ही प्रॉफिट एंड लॉस एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ क्या क्या पीछे रह के जाएगा वैसे हम सब छोड़ेंगे किस किस को पक्का है नहीं नहीं याद दिलाना चाहिए अपने आप को बीच बीच में नहीं तो कहूँ मैं गलती में रहते मैं हमेशा रहने वाला हूँ इधर ही सब चीज़ के साथ ऐसे ही तो पकड़ के बैठते हैं हम हर चीज़ को अटैचमेंट सो स्ट्रांग आर वी ऑल गोइंग टू लीव वन डे हाथ उठा लो एक बार ओके okay. Do we know when we are going to leave? Should बी बी ready to leave any minute? Yes. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हर क्षण मैं किसी भी क्षण आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती हूं और जब मैं इस शरीर को छोड़ू तो मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार जाने वाले हैं तो छोड़ने से पहले मेरे कार्मिक अकाउंट कैसे होने चाहिए कैसे होने चाहिए छोड़ने के बाद तो नहीं चांस मिलेगा कुछ भी ठीक करने के लिए छोड़ने से दो घंटा पहले भी पता चल जाए तो हम क्या कर लेंगे तो अगर मुझे श्रेष्ठ कर्म और संस्कार लेकर जाने हैं और मुझे ये पता नहीं है कि मैंने कब जाना है तो मुझे जीने का तरीके को क्या करना पड़ेगा तो एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी परिवार पीछे रह जाएगा कंपनीज पीछे रह जाएंगी फैक्ट्रीज पीछे रह जाएंगे सामान पीछे रह जाएगा प्रॉपर्टीज पीछे रह जाएंगी इतना पैसा कमाया पीछे रह जाएगा शरीर भी खत्म हो जाएगा सिर्फ मैं आत्मा आगे जाऊंगी और मेरे साथ क्या जाएगा मेरे कर्म और मेरे संस्कार सो दो बिजनेस चल रहे हैं एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म एक बिजनेस इतने ही समय के लिए है इम्पॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट टर्म है और एक बिजनेस इटर्नल है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा बच्चा पैदा होगा और एक दो दिन के अंदर पंडित जी जन्मपत्री बनाएंगे आप किस किस के पास जन्मपत्री हाथ उठाना एक बार अच्छा सबके पास है किस दिन बनी थी जब बच्चा पैदा हुआ था वो जन्मपत्री देखकर पंडित जी कहते हैं जी ये होगा ये होगा दस साल बाद ये होगा ये बहुत अच्छा है ये पाँच साल थोड़े से मुश्किल है न ऐसे ऐसे हमने कभी सोचा जो बच्चा पैदा हुआ अभी तक नाम भी नहीं रखा उसका और इन्होंने तो उसकी पूरी जन्म कहानी सुना दी कैसे बताया क्या साइंस है ये कोई मैजिक है ये कोई मैजिक है जो बता रहे हैं वो नहीं वो साइंस है वो विज्ञान है साइंस ऑफ माई कर्म तो वो सारी चीजें जो बता रहे हैं और वो जो जन्मपत्री आपके पास घर पर पड़ी है वो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन की उसके बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट थी फर्स्ट अप्रैल और उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कब थी उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कब थी पिछले शरीर में लास्ट मिनट तो अब विजुअलाइज करो मैं आत्मा इस शरीर में हूं करम 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 इतने सारे कर्म किए इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बनी कुछ अच्छी कुछ गलत एक क्षण आया मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो क्षण जब मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी और मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश किया बच्चा पैदा हुआ पंडित जी ने जन्म पत्री बना दी वो है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट तो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट इज आइडेंटिकल टू माई क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ये वो बिजनेस है जो सिर्फ एक जीवन काल नहीं चलेगा इसलिए जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके पास कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी कुछ थोड़ी मुश्किल होंगे डिपेंड्स ऑन वो पिछली ट्रांजेक्शन्स कैसे करके आया है अब वो जो जन्म पत्री बनी वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट है हम कई बार उस ओपनिंग बैलेंस शीट को जीवन भर की बैलेंस शीट बनाकर चलते रहते हैं क्या आपका बिजनेस वही है जो फर्स्ट अप्रैल को होता है पूरा साल वैसे ही चलता है yes or no? अगर आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्स्ट अप्रैल 2023 को अगर आप लॉस लेकर भी आए हैं इसका मतलब पूरा 2023 बुरा ही चलेगा बता दो बिजनेस आप करते हो मैं तो करती नहीं मुझे पता नहीं है चलेगा बिजनेस 2023 अच्छा है अच्छा या बुरा बुरा ही चलेगा सारा अच्छे से बोलो ना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए क्या करना है लेकिन अगर आप हर रोज अपनी 2023 की फर्स्ट अप्रैल की बैलेंस शीट को देखते रहो और कहो ये भी ठीक नहीं है ये भी ठीक नहीं है ये भी ठीक नहीं है ये भी ठीक नहीं, नहीं है तो अपने आप पूरा 2023 वैसा ही बीत जाएगा वो जन्म पत्री आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है आगे का बिजनेस आपके प्रेजेंट कर्म डिसाइड करेंगे आपके पास्ट कर्म नहीं इसलिए बार बार अपने पास्ट कर्मों को देखकर अपना भविष्य न बनाएं, क्योंकि आपका भविष्य पास्ट कर्मों के आधार से नहीं आपके प्रेजेंट कर्म के आधार से बनता है भाई साहब ने कहा एक बच्चा पैदा हुआ बीमारी के साथ पैदा हुआ पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकिन वो ही बच्चा इस जीवन में कमाल कर सकता है कर सकता है या नहीं कर सकता लेकिन कोई बच्चा पैदा हुआ सब कुछ परफेक्ट 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 था मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया थी लेकिन हो सकता है वो इस जीवन काल में कुछ ऐसी गफलत करे कि तो भाग्य ही बदल जाए तो द फर्स्ट डे दैट बैलेंस शीट इज ओनली अ ओपनिंग बैलेंस शीट इट इज़ नॉट अ डेस्टिनी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ तो बार बार उस जन्म पत्री को रेफर करके अपनी लाइफ ना लीड करें क्योंकि उससे क्या हो जाएगा प्रेजेंट कर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी वो एक साइंस है वो हमें क्या बताती है ये हमें पता होना चाहिए और फिर हमें क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए करम अर्थात क्या जो एनर्जी मैंने क्रिएट की और रेडिएट की वो है कर्म कर्म मतलब सिर्फ बिहेवियर नहीं होता कर्म मतलब थॉट वर्ड बिहेवियर बिकॉज इट्स एनर्जी नो आई क्रिएट माई थॉट्स माई वर्ड्स माई बिहेवियर दैट इज कर्म अपना हाथ ऐसे करें और एक बॉल पकड़ें अपने हाथ में अब आपके पास कंप्लीट पावर है आप अपना कर्म क्रिएट करने वाले हैं सामने एक दीवार है आपकी चॉइस है आपको कितनी स्पीड पर किस एंगल पर कैसे ये बॉल फेंकनी है ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है अभी है। फेंक दीजिए फेंक के सामने वाली दीवार पर सबने फेंका सबने अलग अलग तरह से फेंका किसी ने ऐसे फेंका किसी ने ऐसे फेंका अलग अलग तरह से फेंका अब ये एक साइंस है कि जो आप बॉल फेंकते हैं वो सामने टच होती है और फिर वो टर्न होकर वापस आपके पास आती है राइट बात है ये साइंस है ये कोई मिरेकल नहीं है इट्स प्योर साइंस कि जो मैंने फेंका है वो वापस मेरे पास आएगा तो जो जन्म पत्री है आपको वो ये बताती है कि आपके पास कौन कौन सी बॉल्स वापस आने वाली हैं। और वो इसलिए वो बता पाती है क्योंकि आप वो बॉल ऑलरेडी फेंक कर आए हैं हम अगर किसी फिजिशियन को यहाँ बुलाएं और हम कहें इन्होंने बॉल ऐसी फेंकी थी अब वो बॉल वापस कैसे आएगी वो एग्जैक्ट बता देगा वो कहेगा इस डायरेक्शन में फेंकी थी इस स्पीड पे फेंकी थी तो इस डायरेक्शन में आएगी और इस स्पीड से वापस आएगी साइंस है लेकिन लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी बॉल वापस आने वाली है इसलिए वो जन्मपत्री हमें बताती है ये ऐसे होगा इस साल में ऐसे होगा इस साल में ये होगा क्या होगा वो बता सकती है मतलब कौन सी बॉल आने वाली है वो बता सकती है लेकिन मेरा भाग्य उस पर डिपेंडेंट नहीं करता कौन सी बॉल आने वाली है जो आने वाली है वो तो आने वाली ही है लेकिन जब आपके जीवन में कोई बात आती है इमिजेटली आप एक नया कर्म करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप खड़े होंगे एक मिनट सिस्टर सेकेंड रो हाँ एक मिनट खड़े हो जाओ नथिंग आपको कुछ करना नहीं है डोंट वरी नाउ लुक एट दिस यहाँ पंद्रह सौ लोग बैठे हैं शी इज़ गोइंग टू सडनली स्टैंड लाइक दिस और सबके सामने इसने मुझे बहुत रूडली बहुत बुरा भला कुछ कहना है मेरे लिए ये वो बॉल कहाँ से आ रही है मेरी कुर्सी पर बैठिएगा शी इज गोइंग टू से समथिंग टू मी वेरी रूड वेरी वेरी रूड इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल मेरे लिए वो बॉल कहाँ से आ रही है सामने से आ रही है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ आंसर मेरे साथ ऐसा क्योंकि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं जब भी कोई बात आती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया बॉल कौन से डायरेक्शन में आ रही है ये एंड माई माइंड इज ये बॉल ऐसे क्यों आ रही है प्लीज आप आंसर दीजिए पक्की बात पक्की बात इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ आ नहीं सकता जब तक जब तक इस डायरेक्शन में फेंका नहीं था अपने जीवन में आने वाली सारी बॉल्स देख लीजिए और अपने मन को ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इसने ऐसा क्यों किया वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉल्स विच आर ऑन द रिटर्न जर्नी कुछ भी जो हमारी तरफ ऐसे आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो पहले ऐसे गया था जब वो गया था तो वो कर्म है जब वो आ रहा है तो वो भाग्य है अब <laughs> भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो अब है मिनट एक मिनट एक मिनट जैसे ही वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगी कुछ बोलेंगी सबके सामने विल आई थिंक समथिंग यस विल से समथिंग विल आई बिहेव इन अ सर्टन वे वो क्या है वॉट आई डू नाउ वो क्या होगा वेरी गुड इसको यहां फिट कर लेना परमानेंटली जो वो कर रहे हैं वो वो बॉल है जो वापस आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि मैंने कभी पहले फेंकी थी क्या ये बॉल मेरे कंट्रोल में है क्या ये बॉल मेरे कंट्रोल में है मेरे कंट्रोल में कब तक थी जैसे आपने वो बॉल फेंकी ना अभी सामने वो आपके कंट्रोल में कब तक थी जब तक वो आपके हाथ में थी जैसे ही वो आपके हाथ से निकल गई आपका कंट्रोल इज ओवर उसके बाद वो सामने से हिट करेगी और वापस आएगी जब वो बॉल वापस आ रही है कैन यू चेंज इट लोगों को चेंज करना बंद करें <laughs> लोगों को गलत बोलना बंद करें वो आपको वही भेज रहे हैं वो आपको वही दे रहे हैं जो हमने कभी ना कभी उनको दिया था वो बाद में देखेंगे कब और कैसे इंपॉर्टेंट है पावर इज नॉट ह्योर लेकिन अब मैं इनके लिए कैसा सोचूंगी कैसा फील करूंगी और कैसा बोलूंगी क्या वो मेरे कंट्रोल में है टोटली मेरे कंट्रोल में है यस yes. तो मेरा फोकस किस पर होना चाहिए मेरा फोकस किस पर होना चाहिए लेकिन मेरा फोकस होता किस पर है और फिर हम क्या कर देते हैं क्योंकि यहाँ से गलत बॉल आ रही है हम इमीजिएटली कौन सी बॉल फिर से क्रिएट कर देते हैं गलत तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन है गलत बॉल क्रिएट करने की वॉट वुड आई डू जब वो मेरे लिए इस तरह से बुरा बोलेंगी वॉट ऑल कैन कर्मा कैन आई डू वन टू थ्री क्या कर्मा कर सकते हैं जब हमारे साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है पहले वो जितना बुरा बोले मैं भी उतना बुरा बोलूं दूसरा मैं उससे भी ज़्यादा बुरा बोलूं नहीं करूं अच्छा तीसरा मैं कुछ नहीं बोलूं सिर्फ बुरा फील करूं नेचुरल है ना अगर मैंने बुरा फील किया लेकिन कुछ नहीं बोला तो कौन सी बॉल जा रही है मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने सिर्फ बहुत बुरा फील किया तो कौन सी बॉल जा रही है वो भी नेगेटिव ही जा रही है तो फिर मैं क्या करूं अब अब मैं क्या करूं देखो ये आंसर आपको देना पड़ेगा एंड मुझे राय देते देते साथ साथ अपने भी लोगों को देख लो जो आपको बॉल फेंक रहे हैं। लाइफ इज सो सिंपल ना जीवन बहुत सिंपल है इतना सिंपल है लेकिन हम क्या कहते हैं उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं मुझे बुरा लगेगा उन्होंने ऐसा किया क्यों मैं चुप रहूं उन्होंने ऐसा किया मैं ही झुकूं तो फिर क्या हो जाता है नेगेटिव बॉल आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि मैंने पहले फेंकी थी और जैसे ही वो नेगेटिव बॉल आई मैंने फटाफट से दस और भेज दी और फिर मैंने सिर्फ उनकी तरफ नहीं भेजी फिर मैं आपकी तरफ आई और मैंने बोला पता है उसने क्या किया फिर उनके पास गई मालूम है उसने आज क्या किया तो एक थैंक यू एक बॉल आ रही थी मैंने उस समय अटेंशन नहीं रखा तो मैंने इन रिटर्न कितने और नेगेटिव कर्म क्रिएट कर लिए हैं और क्योंकि मैंने इतने सारे और नेगेटिव बॉल भेज दिए हैं तो भेजते समय ही मैंने अपना भाग्य लिख दिया है क्योंकि जो मैंने अब भेजा है वो भी वापस जो मैंने अब भेजा है वो भी वापस आने वाला है जन्मपत्री पत्री क्या है जन्मपत्री पत्री मुझे ये बताती है कि वो मेरे साथ क्या करने वाली हैं जन्मपत्री पत्री मुझे ये नहीं बता सकती कि मैंने अब इन रिटर्न उनके साथ क्या करना है वो हमें आध्यात्म बताता है धर्म बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई बात आएगी तुम्हें उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है तो कौन सी साइंस इंपॉर्टेंट है कौन सी बॉल्स आ रही है या कौन सी फेंकने तो मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कौन सी आने वाली है मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कौन सी आने वाली है मेरा पूरा फोकस किस पर होना चाहिए अब सपोज हम इस प्रोग्राम में आने वाले थे और एक घंटा पहले किसी ने हमें बताया आज स्टेज पे ना कुछ गड़बड़ होने वाली है प्रोडिक्शन तो मैंने तो हर चीज को ऐसे ही देखते रहना कौन सी चीज़ टूटने वाली है कौन सी चीज़ गिरने वाली है कहीं मेरी कुर्सी तो नहीं टूटने वाली है कहीं माइक तो नहीं बंद होने वाला क्योंकि आने वाले ने ये नहीं बताया था कि लाइट टूटने वाली है उन्होंने बोला आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि वो उतना ही बता सकते हैं वो साइंस उतनी है अगर हम सोचते रहते क्या गड़बड़ होने वाली है कौन गड़बड़ करने वाला है क्या होने वाला है क्या होने वाला है उतने में उतनी देर में ही वो शक्ति खत्म हो जाती और जब वो लाइट एक्चुअली गिरती तब तक तो उसका सामना करने की ताकत ही ना होती डू नॉट फोकस ऑन वॉट इज गोइंग टू हैपन टू यू फोकस ऑन हाउ यू आर गोइंग टू बी वन एनी थिंग हैपन टू यू इवन अगर कोई हमें बताता है कि आपका ये साल बहुत भारी है वो राइट बोल रहे हैं वो साइंस राइट है लेकिन वो ये हमें बोल सकते हैं कि ये साल भारी है डिपेंडेंट ऑन कितनी बड़ी बात मेरे सामने आने वाली है लेकिन जीवन भारी और हल्का मुश्किल और सहज इस बात से नहीं होता कि कौन सी बात आने वाली है वो इस बात से होता है कि जब वो आती है तो हम उस बात का सामना कैसे करते हैं आपके सामने बड़ी से बड़ी बात आ जाए लेकिन आप लाइट रहे पावरफुल रहे तो कोई भोगना नहीं आपके सामने छोटी सी बात आ जाए और आप परेशान हो जाए तो वो बात आपके लिए बहुत भारी होती है तो पावर कहाँ है पावर कहाँ है प्रेजेंट कर्मा में नॉट इन द पास्ट कर्मा तो अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को नहीं चेक करना सिर्फ समझ रहना कि जो भी मेरे साथ सामने से हो रहा है वो कभी ना कभी यस yes, जी कभी ना कभी मैंने किया था तो ब्लेम ब्लेम किसी और पर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जिम्मेवारी के ये मेरा कर्म है थर्टी सेकेंड्स आंख बंद कीजिए और अपनी जीवन को स्कैन कर लीजिए मेजोरिटी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं शरीर स्वस्थ है परिवार जुड़ा हुआ है काम कारोबार अच्छा चल रहा है ये सारा कुछ मेरे पूर्व श्रेष्ठ कर्मों का फल है मैं आत्मा कुछ बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आई हूं जो आज मेरे पास ये सब कुछ है ऐसे ही कुछ भी नहीं मिलता अब चेक करें इस सारे कार्मिक अकाउंट्स में इस भाग्य में कोई ऐसी चीज जिसको बदलना है कोई ऐसा सीन जिस पर क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं इनको ही मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है अब उस सीन को सामने लेकर आए और सबसे पहले अपने मन को आंसर दें ये मेरा ही किया हुआ कर्म है फुल स्टॉप उसके ऊपर ज्यादा और एनर्जी इन्वेस्ट करना नहीं है कि ये क्यों हुआ है इम्पोर्टेंट है कि अब क्या करना है ये मेरा पूर्व कर्म मेरे सामने आया है इम्पोर्टेंट फोकस अब इस पर है कि अब मुझे कौन सी वाली बॉल फेंकनी है और अब अपने उस सीन के लिए चाहे वो एक सिचुएशन है चाहे वो एक शरीर के हेल्थ के इश्यू है चाहे वो कोई संस्कार है चाहे वो कोई व्यक्ति का व्यवहार है उसी सीन के लिए अब जैसे आपने मुझे राय दी थी अब अपने आप को राय दीजिए कि आपको इस सिचुएशन में कैसी थॉट क्रिएट करनी चाहिए सामने वाला नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है सिचुएशंस में मुश्किलें आती जा रही हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है करते करते बात कंप्लीट होने वाली होती है तो उसमें कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है विघन आ जाता है ये सारी बातें मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है लेकिन पावर इज इन माय प्रेजेंट कारमा मेरे वर्तमान कर्म में शक्ति है अपने कर्म को सेट कीजिए और उसके लिए बहुत सिंपल है सिर्फ अपनी सोच को चेंज कीजिए और सोच को वो बनाइए जो आप अपने भाग्य में देखना चाहते हैं क्योंकि संकल्प सबसे बड़ा कर्म है और संकल्प से सिद्धि होती है तो आप जो देखना चाहते हैं उसको अपने कर्म में रखिए संकल्प बनाइए अनाज से सिर्फ वो ही वाला संकल्प बॉल भेजते जाइए भेजते जाइए भेजते जाइए अगर सफलता मुश्किल आ रही है तो हमें सिर्फ एक ही संकल्प करना है सफलता मेरे लिए निश्चित है आई एम सक्सेसफुल अगर सामने वाला कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो एक ही संकल्प क्रिएट करना है कि मेरा और इनका रिश्ता बहुत प्यारा है स्ट्रांग है मज़बूत है सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं देता है आप संकल्प कीजिए कि वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं अपनी तरफ से जाने वाली बॉल को चेंज कीजिए ओके okay, वापस आइए किस किस को दिखाई दे गई अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन जिसमें से एनर्जी चेंज करनी है जो हमारी तरफ से जा रही है बताना नहीं है आपको लेकिन आपको दिखाई दिया प्लीज़ रेज योर हैंड्स दिखाई दिया बाकी किसी के पास कुछ नहीं चेंज करने के लिए तो एक चीज़ चेंज करिए संस्कार वो तो हर एक के पास है कोई ना कोई चेंज करने के लिए क्योंकि ये संस्कार भी हम पाँच जन्मों से लेकर आए हुए हैं अब कुछ रिश्तों में कुछ लोगों के साथ हमने कभी गलत नहीं किया होता है गलत तो क्या हमने उनके लिए कभी गलत सोचा भी नहीं होता गलत तो क्या हमने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है हमने उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं दी होती है फिर भी पता नहीं उनको हमसे क्या प्रॉब्लम होती है बच्चे निस्वार्थ भाव से हम उनकी पालना करते हैं हम त्याग करते हैं अपने सारे आराम छोड़ देते हैं सिर्फ उनके लिए और वो ही मुड़ कर कुछ ऐसा कह देते हैं कर देते हैं कि मन कहता है, ये क्या इस सब मेहनत का ये रिजल्ट मिलना था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं तो कार्मिक अकाउंट किसका किसके साथ था कार्मिक अकाउंट किसका किसके साथ था ये बहन पंद्रह सौ लोगों के सामने खड़े होकर मुझे बुरा भला कहा मैं उनसे कभी पहले मिली नहीं हूँ तो गलत सोचने का तो क्वेश्चन ही नहीं है आई डोंट नो हर मैं उनको जानती नहीं हूँ कभी मिली नहीं हूँ और शायद फिर कभी नहीं मिलूंगी फिर भी उसने खड़ा होकर ऐसे कैसे कर दिया इज शी वो कौन है वो कौन है वो कौन है वो कौन है दिख गया रिजल्ट कनेक्शन दिखाई दे रहा है कार्मिक कनेक्शन किसका और किसका है इस शरीर का और उस शरीर का नहीं है इस शरीर में मैं उससे पहले कभी नहीं मिले हूं लेकिन कार्मिक अकाउंट किसका और किसका है मेरा और उनका है क्या मुझे पता है कि मैं उनसे पहले कब मिले हूं नहीं क्या मुझे पता है कि पिछली बार जब मैं मिली थी तो मैंने उनके साथ क्या किया था नहीं फिर मैं कैसे कह सकती हूँ मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया वो ऐसा कैसे कर रहे हैं मैंने इनके साथ एक बिजनेस शुरू किया बहुत अच्छा चला बहुत अच्छा चला चलते चलते मेरी नीयत ख़राब हो गई मैंने गड़बड़ कर दी उनका सारा नुकसान हो गया सारा कुछ मैंने अपने पास ले लिया उनका मन भी दुखी हो गया उनका धन भी खत्म हो गया उनका शरीर का स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो गया उनका परिवार भी बिखर गया ये सब कुछ किस लिए हुआ क्योंकि मैंने ये कर्म किया लेकिन मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही है तो मेरे आसपास के लोग देखते हैं और बोलते हैं इतना गलत करने के बाद भी इसकी जीवन अच्छी चल रही है ऐसा क्यों क्योंकि हम शॉर्ट टर्म देखते हैं और मेरा जीवन बहुत अच्छा चला 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 चला, चला समृद्धि ही समृद्धि बाहर के रूप से और एक क्षण के बाद मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ उनके साथ गलत 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 किया और मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ वो भी शायद कभी ना कभी शरीर छोड़ देंगे उसके बाद क्या हम फिर से कभी मिलेंगे क्या हम फिर से कभी मिलेंगे और जब हम मिलेंगे तो कुछ कुछ होगा या नहीं होगा होगा नहीं होगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए yeah. नहीं होगा तो yes. सही पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होगा <laughs> तो ही, होना चाहिए क्या मन क्या कहते हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए यहीं कहीं यहीं पूरा करके जाना चाहिए फिर ये सारी जो इतनी सारी अच्छी चीजें आपको मिली हैं अपने पूर्व कर्मों की वजह से फिर उसको भी निकालना पड़ेगा एवरी थिंग गुड दैट वी हैव इज बिकॉज ऑफ अ पास्ट कर्म आपको जो शरीर मिला आप जिस परिवार में पैदा हुए आपको जो रिश्ते मिले वो उसके लिए आपने इस कर्म में कोई जन्म में कोई कर्म किया नहीं होता आप आते ही उस परिवार के अंदर हैं किसने डिसाइड किया पूर्व कर्म अगर हम दो लोग आज मिलते हैं बात करते हैं बैठते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाती है ठीक है आप और मैं मिले आर्ग्यूमेंट हो गई फिर आप घर गए मैं घर गई आज आपने पीली ड्रेस पहनी है मैंने वाइट पहनी है नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे उस दिन आपने रेड पहनी होगी मैंने कोई और कलर पहना होगा पिछली मीटिंग हमारी आर्ग्यूमेंट पे पूरी हुई थी जब हम अगली बार मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा लेकिन आपकी भी ड्रेस बदली हुई है मेरी भी ड्रेस बदली हुई है फिर भी कुछ होगा या नहीं होगा होगा और सेकेंड टाइम जब होगा वो कंटिन्यूएशन ऑफ वो फर्स्ट टाइम की मीटिंग होगा सेकेंड टाइम वो पिछली बार आर्ग्यूमेंट थी सेकेंड टाइम तो उससे भी ज़्यादा कड़वाहट आ जाएगी फिर हम अपने अपने घर जाएंगे एक महीने के बाद हम फिर कहीं मिलेंगे फिर आपकी ड्रेस बदली होगी फिर मेरी ड्रेस बदली होगी हम एक दूसरे को देखेंगे एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं लेकिन जब वो दो आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो होना ही है लेकिन अब एवरी नेक्स्ट मीटिंग पिछली मीटिंग से कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी अनलेस इन एनी वन मीटिंग वन ऑफ द टू सेज इनफ नाउ आई विल चेंज माई कर्मा। उसको बात नहीं करनी नहीं कर मैं करती हूँ और जो एक वो करेगा वो उस मीटिंग की क्वालिटी को क्या कर देगा चेंज कर देगा अगर हमने अभी भी चेंज नहीं किया तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है आजकल हमें दुनिया में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ऐसे कैसे कोई कर सकता है ऐसे कैसे कोई कर सकता है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वी आर नॉट मीटिंग द फर्स्ट टाइम वी मेट मैनी मैनी टाइम्स और हर बार हम अपने कार्मिक अकाउंट को सुलझा के नहीं आए थे गांठें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जा रही हैं इस बार मौका है गांठों को खोल दो उस कार्मिक अकाउंट को चेंज कर दो नहीं तो हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट भी गफलत में चलेगा गांठों के साथ चलेगा गांठे लेकर शरीर छोड़ेंगे फिर मिलेंगे और गांठे बन जाएंगे रेडी हैं चेंज करने के लिए रेडी हैं झुकने के लिए रेडी हैं क्षमा करने के लिए यस या नो रेडी हैं उनको दुआएं देने के लिए जो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं दुआएं देनी पड़ेंगी ना क्योंकि वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनको चोट देकर आए हैं आप देखो दो लोगों की शादी होती है सब कहते हैं बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है मिल गया दुनिया का सर्टिफिकेट सब कहते हैं लड़की तो इतनी अच्छी है इतनी अच्छी है जिस घर जाएगी उसको स्वर्ग बनाएगी मिल गया दुनिया का सर्टिफिकेट फिर सब लोग कहते हैं सास ससुर तो इतने अच्छे हैं सूरी सृष्टि पे दिया लेके ढूंढो ऐसे लोग ही नहीं मिल सकते मिल गया सर्टिफिकेट सब बहुत अच्छे हैं और वो हैं ही अच्छे दे आर वंडरफुल जेनविनली वंडरफुल पीपल लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं आपस में तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है तो लोग कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं ये बहुत अच्छे हैं ये बहुत अच्छे हैं ये बहुत अच्छे हैं इनकी सबसे बनती है इनकी सबसे बनती है इनकी सबसे बनती है इनकी एक दूसरे से क्यों नहीं बनती है क्यों नहीं बनती क्योंकि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार फिर गड़बड़ करनी है पहले गड़बड़ करके आए थे इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है अब उस गड़बड़ को क्या कर लें अब उस गड़बड़ को क्या कर लें ठीक कर लें अलग होना सल्यूशन नहीं है अलग होने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होता है हम फिर मिलेंगे इजी वे आउट चूज नहीं करना आई डोंट वांट टू लिव छोड़ खत्म खत्म होता तो बहुत अच्छा होता बट वो खत्म नहीं होने वाला है सिर्फ इकट्ठे रहेंगे नहीं कार्मिक अकाउंट तो फिर कंटिन्यूस सिर्फ इन द रेरेस्ट ऑफ रेरेस्ट केसेस जहां डोमेस्टिक वायलेंस है जहाँ फिजिकली किसी को मारा जा रहा है कोई बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें होती हैं तब हम कहते हैं, ये सेफ नहीं है हमारे लिए ले रहना लेकिन इतने से संस्कारों पर एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो कार्मिक अकाउंट उलझता जाएगा हम फिर मिलेंगे तो इसलिए कितना भी उलझन दिखाई दे कितना भी सामने वाले का गलत व्यवहार दिखाई दे याद रखिएगा वो बॉल हम फेंक कर आए हैं उनके ऊपर उंगली उठाना उनके ऊपर उंगली रखना बंद करें जिम्मेवारी लें और अब कौन सी बॉल फेंकें तो जैसे जो आने वाली बॉल थी सपोज वो ब्लैक कलर की थी तो अब कौन से कलर की फेंकनी है कितनी वाइट ऐसे नहीं एक फेंकी और फिर वेट किया मैंने व्हाइट फेंकी आई थी क्यों नहीं व्हाइट <laughs> वो एक के रिटर्न में एक नहीं आती है हम पता नहीं कितनी थाउजेंड फेंक कर आए हुए हैं इंपॉर्टेंट है अब मेरी तरफ से दुआएं, 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 दुआएं। जैसे मेरी तरफ़ से दुआएं गई मेरा व्यवहार सही रहा मेरी सोच सही रही मेरा कर्म सही रहा मेरी तरफ से कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया मेरा प्रेजेंट ठीक हो जाएगा मेरी मन की स्थिति ठीक रहेगी मेरे शरीर की हेल्थ ठीक रहेगी दूसरे तक वो एनर्जी पहुंचेगी, दूसरे के ऊपर वो असर ज़रूर करती है 110 परसेंट है कि हमारी तरफ से जाने वाली वाइब्रेशन दूसरे को चेंज ज़रूर करती है सिर्फ हमें कंटिन्यूटी से वो वाइट बॉल्स क्या करनी पड़ती हैं ऐसा नहीं दो फेंके फिर बीच में चार दूसरी फेंके फिर एक फेंके फिर बाद में दूसरी एक ही फेंकनी पड़ेगी बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत दूसरी वाली फेंक कर आए हैं विच मीन्स हम अपने किसी कर्म से दूसरे को चोट देकर आए हुए हैं अब वो उस चोट के साथ हमारे जीवन में आते हैं और वो चोट की वजह से वो चिल्लाते हैं मतलब वो दर्द में होते हैं अब अगर हम फिर से उस चोट पर चोट मारेंगे तो कार्मिक अकाउंट तो और उलझता जाएगा हमें उस चोट को क्या करना है क्या करना है तो जो भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उनको ढेर 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 सारी दुआएं देनी है इतनी वाइट बॉल्स भेजनी है इतनी वाइट हॉल्स भेजनी इतनी वाइट बॉल्स भेजनी है कि उनको नहीं पता चलेगा कि वो क्यों बदल गए करें नहीं ताली रहने देते हैं आप पहले बताइए करें या नहीं करें करें रेडी हैं आप करने के लिए रेडी हैं करने के लिए हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रही है याद रखिएगा नो फेवर टू एनी बडी ये हम किसके लिए कर रहे हैं हम अपने भाग्य के लिए कर रहे हैं मेरे भाग्य की कलम मेरे कर्म है मेरे कर्म अपने कर्म अच्छे लिखते जाएं, भाग्य आपका सेफ है भाग्य आपका सेफ है थर्टी सेकेंड्स फिर से आंख बंद कर लिए और चूज कर लीजिए किसको वाइट बॉल्स भेजनी है मुश्किल वाले पहले यूज करना इजी इजी तो अपने आप ही हो जाएगा मुश्किल वाला पेपर दे दो इजी टेस्ट तो वैसे ही पास हो जाते हैं लाए उनको सामने एक मिनट नॉट एज अ रिलेशनशिप नॉट एज अ बॉडी नॉट एज अ फेस वो चेहरा नहीं है वो ये रिश्ता नहीं है वो एक आत्मा है अपने को भी पॉइंट पॉइंट ऑफ लाइट देखिए और उनको भी देखिए और फिर सबसे पहले उनसे क्षमा मांगिए जो आपके साथ आज कुछ गलत कर रहे हैं उनसे क्षमा मांगिए क्योंकि हम कभी न कभी उनके साथ कुछ करके आए हैं क्षमा मांगिए आई एम सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन इन द पास्ट मुझे याद नहीं है मुझे शायद समझ नहीं थी लेकिन मैं आत्मा आपके साथ कुछ गलत करके आई हूं उसके लिए क्षमा दूसरा थॉट उन्हें क्षमा कीजिए उन कर्मों के लिए जो वो अभी कर रहे हैं आई फु गिव यू फॉर वॉट यू हैव डन तीसरा थॉट पास्ट इज पास्ट दिस कार्मिक अकाउंट इज ओवर हमें अपने संकल्पों से उस कार्मिक अकाउंट को खत्म करना पड़ता है नहीं तो वो लंबा खींचेगा पास्ट इज पास्ट इट्स ओवर दिस कार्मिक अकाउंट इज ओवर फुल स्टॉप फोर्थ थाट आज से मेरा आपके साथ एक नया कार्मिक अकाउंट मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं, दुआएं। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। चार संकल्प थे रोज हमने बोलने हैं अगले कई दिनों के लिए बोलने हैं पास्ट के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रेजेंट के लिए हम उन्हें क्षमा करते हैं पास्ट कार्मिक अकाउंट फुल स्टॉप प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट ओनली एंड ओनली ब्लेसिंग्स। और पांचवा संकल्प जो आप देखना चाहते हैं उस रिश्ते में वो आप संकल्प क्रिएट कीजिए बिजनेस में कई बार किसी ने हमसे धन लिया होता है वापस नहीं कर रहे होते हैं सामने लाए हो आत्मा को और उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप इतने समय में जो आपने मुझे लौटाना है आप जरूर वापस करेंगे रोज मैसेज दीजिए सपोज हमें किसी का लौटाना है और हम लौटा नहीं पा रहे हैं अभी सामने लाइए उन लोगों को जिन्हें हमें देना है और उनसे कहिए मैं आपको संपूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने इतने समय में आपका ये सब पूरा आपको देना ही देना है वट एवर यू वॉन्ट टू सी इन रियालिटी यू क्रिएट अ थाट दैट इज द फिफ्थ थॉट कोई रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है संकल्प उनको दीजिए वी एक्सेप्ट ईच अदर वी रिस्पेक्ट ईच अदर आर रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग आर फैमिली इज यूनाइटेड हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं सम्मान देते हैं हमारा रिश्ता मजबूत है हमारा परिवार एकजुट है शरीर के स्वास्थ्य की कोई बात है संकल्प कीजिए का अकाउंट इज ओवर पास्ट इज पास्ट शरीर स्वस्थ है निरोगी है और हमेशा रहेगा ओके okay. वापस आइए वापस आइए क्या यह आसान है करना यह आसान है करना कर सकते हैं आप जैसे ही हमने ये पांच थॉट्स क्रिएट की हमने फाइव वाइट बॉल्स फेंकी है पास्ट के लिए सॉरी प्रेजेंट के लिए फॉगिफ पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर ये जरूर बोला कीजिए फॉर एनी कार्मिक अकाउंट यू वांट टू तो। फोर्थ मेरी तरफ से दुआएं, सिचुएशन को या लोगों को एंड फिफ्थ जो हम देखना चाहते हैं रियलिटी में हमें वो संकल्प करना है कि ये हुआ ही पड़ा है ये पाँच संकल्प हैं जो हम हर रोज सुबह हर हर रोज रात को करेंगे कर सकते हैं दिन में दो बार दिन में दो बार कर सकते हैं कर सकते हैं सारा दिन में ऑपोजिट नहीं फेंकना और जब आप रोज सुबह रात रोज सुबह रात करेंगे ना दिन के नेगेटिव थॉट्स फिनिश होने लग जाएंगे और दिन में अगर कोई कुछ बोलेगा या कोई कुछ कहेगा या मुझे थॉट आएगा तो मुझे उस समय रुक कर इमेजिएटली फाइव थॉट्स क्रिएट करनी है और जब हम यह करना शुरू करेंगे तो हमारी तरफ से कौन सी एनर्जी जा रही है और जैसे जैसे ये एनर्जी जाती जाएगी हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट क्या होता जाएगा Nullify होता जाएगा और हमारा न्यू कार्मिक अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ये याद रखिएगा कार्मिक अकाउंट किसी के साथ फिनिश नहीं हो सकता है वो रिश्ते हैं हमारे समीप के रिश्ते हैं वो नजदीक आए हुए हैं हमारे रिश्तों में वो कार्मिक अकाउंट तो चलना ही है उसको फिनिश नहीं कर सकते उसको चेंज कर सकते हैं कई बार हम कहते हैं बच्चा होकर ऐसे किया भाई होकर ऐसे किया ये होकर ऐसे किया प्लीज रिमेंबर वो बच्चा भाई बहन मतलब कौन मतलब वो आत्मा है जिसके साथ हम गड़बड़ करके आए हैं और उस गड़बड़ का रिटर्न के लिए उनको हमारे नज़दीक आना ही होता है आना ही होगा ना नज़दीक पड़ोसी बनकर थोड़ी आएंगे राइट right? मैंने उनके साथ इतना गलत किया उनका बिजनेस भी खराब हुआ उनकी हेल्थ भी खराब हुई उनका मन भी दुखी हुआ उनके रिश्ते भी बिखर गए अब उन्होंने भी शरीर छोड़ा मैंने भी शरीर छोड़ा वो मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकते हैं क्या बन कर आ सकते हैं जी क्लोज ही आना पड़ेगा ना दूर से तो नहीं हो सकता ये काम इसीलिए सारे कार्मिक अकाउंट इस टाइम क्लोज ही आए हुए हैं क्लोज आए हैं शादी करते हैं पहले शादी पे करोड़ों खर्च कर देते हैं छह महीने एक साल के बाद अलग हो जाते हैं फिर करोड़ों देते हैं हिसाब किताब चुक तुख खत्म ओम शांति और क्या कहेंगे उसको आए ही थे सिर्फ पैसा लेने के लिए इसलिए अपने हिसाब किताब सॉर्टेड रखो कोई कर्म ऐसा नहीं करो जो जब वापस आएगा तो मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पास्ट के जो किए वो तो अब अपने कंट्रोल में नहीं है दैट इज ओवर लेकिन प्रेजेंट कंप्लीटली हमारी चॉइस है प्रेजेंट हमारी चॉइस है अगर आपके पास कोई भी है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है आज उसको क्षमा जरूर कर देना याद रखिएगा वो या हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं और अगर शरीर छोड़ने से पहले हमने ठीक नहीं किया फिर हम फिर मिलेंगे और तब हम पहचानेंगे नहीं कि वो कौन है मैं कौन हूँ फिर हम कहेंगे इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है इसलिए जब जब याद है तो वहीं के वहीं क्या करें पूरा करें तो ये कार्मिक अकाउंट को कब कब सेटल करना पड़ेगा हर रोज यहां को बेदाग रखिए अपने कर्मों पर अटेंशन रखिए इसीलिए कमल फूल के समान जीवन जीना है कीचड़ का एक भी अंश मुझे आत्मा के ऊपर नहीं आना चाहिए जीवन ऐसा जिए ताकि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ू तो कैसी हूँ कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं अपने साथ कैसे कार्मिक अकाउंट लेकर जाऊं सिर्फ अच्छे नहीं बढ़िया बढ़िया एकदम कोई बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ अपना भाग्य नहीं लेके आता वो पैदा होते ही अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है आते हैं ऐसे बच्चे के नहीं आप में से किस किस के घर ऐसा बच्चा है जो आपका भाग्य भी बदला आता है होना ही है सपोज आपकी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास चल रही है सब बहुत परफेक्ट है लेकिन वो जो बच्चा आ रहा है उसके भाग्य में बहुत धन है तो उसके आते आते आपका बिजनेस यहां से यहां से यहाँ से यहां चला जाएगा आप कहेंगे ये इतना फास्ट इधर से इधर कैसे जा रही है क्योंकि वो जो आ रहा है वो अपने भाग्य में धन लेकर आ रहा है कई बार हमारे पास सेंटर्स पर बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो उस समय मेडिटेशन सीखने आते हैं उस समय आते हैं जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है एंड फिर वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन लेकिन पता नहीं मेरे को क्यों आजकल मन करता है यहाँ आने का क्योंकि वो मन उनका नहीं कर रहा होता वो जो गर्भ में आया है उसका मन कर रहा होता है तो जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो सिर्फ उस आत्मा का भाग्य नहीं उस परिवार के भाग्य में बहुत कुछ होता है डिपेंड्स ऑन हम अपने साथ कौन से कर्म लेकर गए थे तो अटेंशन किस पर रखना है अटेंशन किस पर रखना है किस पर अटेंशन रखना है सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार और कर्म दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई कुछ इधर से उधर कर ले मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए तो मेरा प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और फ्यूचर तो फिर अच्छा है ही है इजी है कि नहीं तो भाग्य जानना चाहते हैं या भाग्य अपनी चॉइस का बनाना चाहते हैं कौन सा करना जानने की जरूरत नहीं है जानने से पहले मच इंफॉर्मेशन यहां फिट हो जाती है बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं अपनी चॉइस का भाग्य हर कपल की शादी जन्मपत्री मैच करके की जाती है फिर तो कोर्ट में कोई होना नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए ना, इतने सारे गुण तो मिला के ही की थी और दिन भी शुभ ही ढूंढा था समय भी मुहूर्त का ही था फिर क्यों नहीं बना और कई लोग ऐसे होते हैं उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है क्योंकि पावर पास्ट कर्मा में नहीं पावर मेरे प्रेजेंट कर्मा में है तो पंडित जी कहते भी इनकी इनकी शादी नहीं कराना इनकी बिल्कुल नहीं बनेंगे तो वो उसको एक ओपन चैलेंज उठाते हैं हम आपको बनाकर ही दिखाएंगे मतलब पास्ट कर्मा के अनुसार हमारी नहीं बनती एक्चुअली लेकिन प्रेजेंट कर्मा में थोड़ा सा झुक गए थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया थोड़ा बहुत अच्छी बनेगी प्रडिक्शन विल टर्न आउट बी रॉन्ग सो प्रडिक्शन इज नॉट रॉन्ग But the reality, the present is in our hand. It is not dependent on the prediction. अब भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो सबसे पहली एनर्जी है जो हमारे घर आती है वो है हमारा धन तो इसलिए इस बिजनेस के ऊपर इस बिजनेस का बहुत ज्यादा कनेक्शन है क्योंकि जो पहली एनर्जी घर के अंदर आती है वो होता है धन धन से आता है अन्न अन्न से बनता है मन और मन से आता है तन तो चार एनर्जीज हो गई धन अन मन और तन तो इसीलिए राइट कार्बिक अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए धन राइट तरीके से कमाना बहुत जरूरी है धन सिर्फ एक अमाउंट नहीं है धन एक अमाउंट नहीं है धन एक, एक वाइब्रेशन है जो अपने साथ आता है और आपके घर की हर चीज उस पैसों से होती है राइट राइट right कि नहीं तो आपने मकान बनाया उस धन से बनाया आपने खाना बनाया उस धन से खरीदा आपने बच्चों की पढ़ाई की उस धन से की आपने सामान खरीदा उस धन से खरीदा तो उस धन की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए उसमें कितनी दुआएं होनी चाहिए कलयुग कलयुग इसलिए बना क्योंकि हमारा सारा फोकस सिर्फ इस पर है कि हम कितना कमाते हैं हम कितना कमाते हैं से समान आएगा हम कैसे कमाते हैं से भाग्य बनेगा तो अटेंशन किस पर रखना चाहिए किस पर रखना चाहिए इसीलिए किसी को दर्द दुख धोखा गफलत करके धन कमाना नहीं और अगर आपके परिवार के सदस्य ने धन ऐसा कमाया है तो आप उसको अपने घर में स्वीकार करना नहीं धन कमाया वो उस आत्मा का कर्म बनेगा आपने परिवार में स्वीकार करके खर्च किया वो आपका कर्म बनेगा सादगी की जीवन जी लेकिन गलत धन से अपने घर को न चलाएं, न चलाएं क्योंकि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति धन से नहीं सुलझाई जा सकती है पैसे में उतनी पावर नहीं है तो धन कमाए बहुत कमाएं लेकिन अटेंशन से कि धन दुआओं के साथ आना चाहिए विच मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाइएस्ट वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स एथिक्स हाइएस्ट नॉर्मल नहीं क्योंकि आज के समय के नॉर्मली बदला हुआ है सारा कुछ कहते ये तो नॉर्मल है ये तो नॉर्मल है बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो क्या लाइन आ गया बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो बोलिए बोलिए लाइन क्या थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है फिर जब थोड़ा बहुत करेंगे तो थोड़ा बहुत आएगा कब तो उतना ही थोड़ा बहुत करना जितना थोड़ा बहुत फेस करने की ताकत है जब सामने से आएगा आना तो है ही है धन बहुत ध्यान से कमाना दुआओं के साथ कमाना जिनके साथ आप काम करते हैं जो आपके लिए काम करते हैं वो हमेशा सुखी होने चाहिए खुश होने चाहिए किसी को डांट दिया किसी पे चिल्ला दिया किसी को इधर कर दिया किसी को उधर कर दिया ऐसे धन नहीं कमाया जा सकता वो घर जाएंगे और आपको बहुत दर्द भेजेंगे अटेंशन और जिनके लिए काम करते हैं मतलब जो हमारा कस्टमर है जो हमारा क्लाइंट है आज ये सामने एक घड़ी पड़ी हुई है पचास सौ रुपये की होगी किसी ने बनाई है और किसी ने बेची है मैंने खरीदी है सो आई एम द कंज्यूमर अब मैंने सौ रुपये की ही है ट्रांजैक्शन तो एक ही बार पूरा हो गया डील पूरी हो गई आपने सौ रुपये कमा लिए लेकिन अब वो घड़ी अगर तंग करती है तो आपकी डील उस दिन पूरी नहीं हुई थी अब हर रोज उस घड़ी को देखकर क्या होता है क्या होता है हर रोज इस घड़ी को देखकर मैं आपको एक ब्लैक बॉल भेजती हूं क्या चीज बनाई है ऐसे कोई घड़ी बनाता है अब चल नहीं रही कल ठीक की थी फिर खराब हो गई है तो जो बिजनेस का कार्मिक अकाउंट होता है वो तो उसी दिन पूरा हो जाता है आपने बेचा सामने वाले ने खरीदा लेकिन जो कर्मों का कार्मिक अकाउंट होता है वो बहुत लंबा चलता है उसके साथ और ऑपोजिट कि ये घड़ी सौ रुपए की थी लेकिन चल ऐसी रही है कि पता नहीं कितने की चीज़ खरीदी मैंने तो हर रोज उस घड़ी को देख मैंने आपको क्या भेजना है क्या घड़ी बनाई है व्यक्ति ने सौ रुपये में ऐसी कमाल की चीज बनाई है तो उस दिन आपने सौ रुपये कमाए लेकिन जीवन भर उसके रिटर्न में दुआएं कमाएंगे है बिजनेस ऐसे होना चाहिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए अगर प्रॉफिट सोचना है ना आपको आपका बिजनेस में तो आप ये सोचिए कि सामने वाले का प्रॉफिट कैसे हो पहले दुनिया में एक कहावत थी कि सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंगी बेचकर आ जाए वो है इंटेलिजेंट सेल्समैन वो इंटेलिजेंट बोलेंगे उसको बोलेंगे उसको इंटेलिजेंट नहीं इंटेलिजेंट वो कि अगर कोई आपसे कंगी खरीदना भी चाहे तो आप उसको प्यार से बैठकर समझाइए आपको कंगी नहीं मैं आपको कोई और चीज देता हूं आपको कंगी की जरूरत नहीं है उसको कहेंगे बिजनेस बिजनेस मतलब ये नहीं कि मेरा क्या फायदा हो बिजनेस मतलब इनका क्या फायदा हो बिजनेस भी सेवा है सिर्फ सेवा सेवा नहीं होती है बिजनेस भी सेवा है जब सामने वाले का फायदा होगा तो हम दुआएं कमाएंगे। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं घर जाते समय हम एक फ्रूट की दुकान पर खड़े होते हैं कोई फल वाला ऐसा मिलता है जो कहता है आप मेरे से आज मत खरीदो ताज़ा नहीं है मिलते हैं ऐसे लोग या नहीं मिलते मिलते हैं कि नहीं मिलते मिलते हैं ना तो उसके लिए वो दो सौ एक बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए वो छोटी सी चीज़ होगी लेकिन उस दिन वो बोलता है आप मेरे से मत लो ये फ्लावर है ये लेने भी अगर आप कहीं गए होंगे ना तो फूल वाला बोलेगा साहब मेरे से नहीं लो सामने वाली दुकान से लो आज मेरे पास ताजा नहीं है उस दिन वो फूल वाला उस दिन वो फल वाला जो कि भी एक बिजनेस है उस दिन वो पैसा नहीं कमाते हैं उस दिन वो धन नहीं कमाते हैं लेकिन उस दिन वो क्या कमाते हैं उस दिन वो क्या कमाते हैं वो दुआएं कमाते हैं लेकिन दुआओं से तो नहीं घर चलता ना पैसे तो कमाने पड़ते हैं लेकिन जो उस दिन दुआएं वो कमाते हैं उसके बाद आप हर रोज किसकी दुकान पर जाते हैं और हर बार जब आप उस दुकान पर जाएंगे तो आप आंख बंद करके चीज उस दुकान से खरीदेंगे सिद्धांत है जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे ये हंड्रेड परसेंट निश्चित है इसको कोई भी आजमा कर देख लो कोई भी करके देख लो दुआएं कमाओ कोई भी डील कर रहे हो सामने वाले का बेनिफिट सोचो इसका इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए सामने वाले का फायदा सोचो आपका फ़ायदा उस फायदे में ही समाया हुआ है ये मत सोचो इससे मुझे क्या मिले ये सोचो इसको हम क्या दें बी अ गिवर डोंट बी लाइक दिस ऐसा नहीं बनना है मैं जी इसको क्या देना है ये आज मेरे पास आए हैं मुझे इनकी सेवा करने का चांस मिला है हम क्या करते हैं बिजनेस अलग करते हैं सेवा अलग करते हैं हम कहते हैं बिजनेस में पैसे कमाएंगे सेवा में पुण्य कमाएंगे बिजनेस में ही पुण्य कमाइए है बिजनेस इज सेवा बिजनेस इज नॉट व्हाट आई विल अर्न बिजनेस इज व्हाट आई विल गिव तो हमेशा दाता की तरह बनकर सबको दें तो आपके घर जो धन आएगा वो दुआओं के साथ आएगा इसीलिए धन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है क्यों धन को एक देवी का दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि धन धन नहीं धन एक वाइब्रेशन है और श्री लक्ष्मी को कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है मतलब धन कमाइए लेकिन किस पर खड़े होकर कमाइए कमल फूल के ऊपर खड़े होकर कमाइए अर्थात सबके बीच रहिए ये मत डरिए वो मेरे से आगे चला जाएगा वो मेरे से आगे चला जाएगा पहली बात आगे जाएंगे नहीं दूसरी बात अगर आगे चले गए तो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम मुझे अपना अटेंशन अपने कर्मों पर रखना है हमेशा याद रखना आपका पैसा सिर्फ आपके बच्चों के पास जाने वाला है आपके कर्म आपके साथ जाने वाले हैं और बच्चों के जीवन में भी सुकून तब आएगा अगर वो धन दुआओं के साथ आया होगा नहीं तो उनको उस पैसों से सिर्फ समान ही मिलेगा तो पहली एनर्जी हमारे घर में धन आनी चाहिए दुआओं के साथ दूसरी एनर्जी हमारे घर का अन्न सात्विक होना चाहिए अन्न सात्विक बनाते हैं ना हम सारे यस और नो यस अब सात्विक अन्न को एक अलग लेवल पर लेकर जाइए दूसरी चीज है कि अन्न बनाते समय मन की स्थिति बहुत सात्विक होनी चाहिए को ऐसा बनाइए जैसे आप प्रसाद बना रहे हैं प्रसाद बनाइए आजकल बहुत सारे घरों में हमने खुद अपना खाना बनाना बंद बन कर दिया क्योंकि हमारे पास धन ज्यादा आ गया ना तो हमने सोचा हमें खाना बनाने की क्या जरूरत है हमारे घर के भाग्य बदल गए जब से हमने अपने घर में खाना बनाना बंद बन किया हमने बाहर खाना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया वेन फूड इज़ कुकड फॉर मनी जब अन्न पैसे के लिए बनाया जाएगा और हम वो वाला अन्न खाएंगे तो हमारे मन पर परिवार का प्यार नहीं पैसे का फाउंडेशन क्रिएट होगा इसीलिए आज की सोसाइटी में रिश्तों से ज़्यादा पैसा जरूरी हो चुका है जिस समय हमारे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाया करते थे तो एक भाई दूसरे भाई को कुछ भी देने के लिए रेडी होता था आज कहते हैं हम कोर्ट में मिलेंगे क्यों? क्यों पैसा रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमने पैसों की एनर्जी के लिए बनाया हुआ खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया वेदर इट इज ईटिंग आउट और वेदर इट इज पेइंग टू वॉट यू ईट तो तीन प्रकार की वाइब्रेशन होती है अन्न में एक पैसों की याद में बना हुआ खाना दूसरा परिवार की याद में बना हुआ खाना और तीसरा परमात्मा को याद करते हुए बनाया गया खाना तो अपने घर में प्रसाद बनाइए कभी कभी नहीं हर रोज प्रसाद बनाइए आपके घर का भाग्य बदल जाएगा लोगों के मन शक्तिशाली हो जाएंगे कार्मिक अकाउंट ठीक हो जाएंगे क्योंकि आत्मा को स्ट्रांग बनाने का सहज तरीका अन्न के थ्रू शक्ति दीजिए पूरे घर को ये मत कहिए कि हमारे पास खाना बनाने को टाइम नहीं है ये मत कहिए हमारे घर तो बहुत लोग हैं खाना बनाने के लिए हमें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है खाना खाना नहीं होता है खाना वाइब्रेशन होती है जो आपके लिए खाना बना रहा है उसके संस्कार उसकी मनोस्थिति उसकी इंटेंशन आपके खाने में जा रही है और जो आपके लिए खाना बना रहा है वो हमेशा खुश होना चाहिए उसको डांट के रसोई में मत भेजना आधे घंटे के बाद आपकी सब्जी में आएगा इट इज डायरेक्ट विद इन वन आवर एक घंटे के अंदर अंदर हमारे के मन की स्थिति पर खाए हुए अन्न का असर पड़ता है ये अलग बात है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चल रहा है कभी भी आपका मूड बिना किसी कारण के डिस्टर्ब है आप सिर्फ जिसने खाना बनाया उसको जाके पूछना आज आपका मूड कैसा था जब आपने खाना बनाया था क्या हमने देखा नहीं है कि हमारे मन की स्थिति पौधों पर असर करती है देखा या नहीं देखा तो फिर खाना भी तो वही है तो खाने और पानी पर डायरेक्ट असर होता है तो इसलिए खुद खाना बनाएं अगर खुद खाना नहीं बना सकते तो कम से कम आखिरी पंद्रह मिनट रसोई में चले जाएं। जा सकते हैं आखिरी कड़छी घुमाने के लिए वो कर दीजिए और रसोई के अंदर सात्विक हाई एनर्जी वर्ड्स चलाइए परमात्मा के याद के शब्द भजन मंत्र जो आपके परिवार को अच्छा लगे वो शब्द रसोई में चलने चाहिए और हर रोज प्रसाद बनना चाहिए अगर कोई और आपके लिए खाना बना रहा है उसको स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि फोन पर बातें करते हुए खाना नहीं बन सकता है अपने कान में ये डाल के हिंदी पिक्चर के गाने सुनते हुए खाना नहीं बन सकता है वी हैव टू चेक कि खाना कैसे बन रहा है और अगर आप किसी को रखते हैं खाना बनाने के लिए तो सिर्फ ये मत देखिए वो कितना टेस्टी खाना बनाते हैं ये चेक कीजिए इनका मन कैसा है ये कितने शांत हैं ये कितने स्थिर हैं इनके संस्कार कैसे हैं वैसे व्यक्ति को रखिए खाना बनाने की सेवा के लिए बाकी सेवा आप किसी और को दे दीजिए खाना बनाने की सेवा बहुत ध्यान से किसी को देना क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है और जैसा मन होगा वैसा भाग्य होगा क्योंकि मन तो कर्म करने वाला है ना तो हमने घरों के भाग्य बदलते हुए देखे हैं एक महीना जो आपका खाना बनाने वाला होता है अगर वो बाहर जाता है हमने लोगों के रिश्ते बदलते हुए देखे हैं एक महीना वो बाहर छुट्टी पे जाते हैं ना वो साल दो साल में एक बार तो फिर वो घर के रहवासी उनको खाना बनाना पड़ता है उनके झगड़े ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जो बना रहा था ऐसा नहीं कि वो आपका झगड़ा करा रहा था वो खुद परेशान था किसी बात से या वो खुद उसके अंदर गुस्से का संस्कार था सारी एनर्जी उधर जाती है तो वो लॉट ऑफ केयर और जहाँ तक हो सके घर का ही खाना खाइए है बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाना शुरू किया है घर बैठ बाहर चले जाते हैं खाना खाने के लिए और अब तो घर बैठकर बाहर से डब्बा मंगवाते हम वो ही हैं जो बाहर जाते थे तो डब्बा लेकर जाते थे कौन कौन डब्बा लेकर गया अपने बचपन में बार है ना हमें ही ये सब कुछ पता है आप अभी आज के छोटे बच्चों से पूछोगे जैसा अन तो उनको नहीं पता होने वाला है कि जैसा अन वैसा मन होता है अपनी संस्कृति को उनको सिखाएं। नहीं तो वो घर बैठ के डब्बे ऑर्डर कर रहे हैं एंड फिर एक और रिस्की वो बिजनेस एडिक्शन देखो कैसी होती है कि अगर आपके घर पे वो डब्बा दस मिनट में नहीं पहुंचा तो ऑर्डर कैंसल क्या आप विजुअलाइज करेंगे जो उस प्रेशर के अंदर आपका वो पार्सल लेकर आ रहा है उसकी मनोस्थिति क्या होगी हाउ मच फियर हाउ मच स्ट्रेस हाउ मच अग्रेशन वो वाला खाना खाएंगे ऑपोजिट करिए उसको बोलिए आप आराम से आइए और अगर आप लेट भी आ गए तो मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन आप शांति से मेरा खाना लेकर आइएगा ऐसे थोड़ी है इतना स्ट्रेस के अंदर कोई खाने का पार्सल लेकर आ रहा है हाउ मच फियर दे हैव ऑफ लूजिंग दैट मनी वी हैव टू बी केयरफुल ये ना लोगों का बिजनेस मॉडल है इसलिए बिजनेस बड़े ध्यान से करना चाहिए ये बिजनेस मॉडल बना लिया लेकिन इस बिजनेस मॉडल से हमारे अन्न की क्वालिटी क्वेश्चन मार्क और जहाँ तक हो सके सिर्फ घर का खाना खाइए बाहर भी जाएं तो अपने साथ डब्बा लेकर जाइए ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे आपका अन्न आपका भाग्य बना रहा है उनका अन्न उनका भाग्य बना रहा है <laughs> बाहर से खरीद कर खा रहे हैं एटलीस्ट घर में आपके जो बना रहे हैं आपको पता तो है कि कौन बना रहा है बाहर कौन बना रहा है आपको क्या पता कौन बना रहा है खाना आज नो आइडिया और जब एक बड़े स्केल पर खाना बनता है ना जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो वो बाहर का खाना तो वैसे ही बड़ी जल्दी जल्दी में बनता है शोर मचाते हुए बनता है क्योंकि उनको हजारों लोगों का खाना बनाना होता है इसीलिए हम भी सारा दिन जल्दी करो जल्दी करो करते रहते हैं क्योंकि वो खाना जल्दी करो जल्दी करो बोल कर बनाया जाता है भगवान को याद करके प्रसाद अन्न बनाइए तो धन दुआओं के साथ अन्न सात्विक और मन रोज़ सुबह मेडिटेशन मेडिटेशन अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाने का एक सहज अभ्यास इट्स लाइक अ लिटिल एक्सरसाइज ये जरूर करना है जैसे सात्विक अन्न खाते हैं वैसे सात्विक कंटेंट भी कंज्यूम कीजिए जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उससे हमारी सोच बनती है कंटेंट हमारे मन की स्थिति को बनाता है वो कंटेंट भी किसी का बिजनेस है लेकिन वो बिज़नेस आज सृष्टि का भाग्य बदल रहा है इसीलिए बिजनेस वही कीजिए और प्रोडक्ट वही दीजिए दुनिया को जिससे लोगों का भला हो कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई ऐसी सर्विस दुनिया को न दीजिए जिससे दुनिया का नुकसान हो उससे क्योंकि वो नुकसान हमारे घर ही आएगा किसी की सेहत खराब हो किसी की मन की स्थिति डाउन हो ऐसी चीज़ क्यों हम लोगों को देते हैं तो वो कंटेंट किसी का बिजनेस है लेट्स नॉट गेट अडिक्टेड टू दैट एंड कीप कंज्यूमिंग 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 उस कंटेंट में अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो वही हमारे संस्कारों में है तो आगे से जो फोन देख रहे हैं टी देख रहे हैं ध्यान से देखिए ये एंटरटेनमेंट नहीं ये कर्म बन रहे हैं और करम से भाग्य बनता है और अगर आपके पास किसी ने कोई ऐसा मैसेज भेजा भी है तो उसको कभी दूसरों को फॉरवर्ड मत कीजिए वो भी कर्म बनता है बनेगा ही ना बनेगा किसी ने एक नेगेटिव कर्म मैसेज बनाया वो कितने लोगों को भेज देगा सौ लोगों को भेजेगा और किसको भेजेगा लेकिन वो सौ लोग उस मैसेज को करोड़ों लोगों तक पहुंचा देते हैं तो कर्म बनाने वाले का कम और सब तक पहुंचाने वालों का ज़्यादा बनता है क्योंकि अगर पहुंचाने वाले ना पहुंचाएं तो बनाने वाले बंद कर देंगे बंद कर देंगे सो टेक केयर ऑफ द माइंड कंटेंट ध्यान दें और हर रोज़ दिन की शुरुआत और दिन का अंत कुछ बहुत सात्विक सुनकर पढ़ कर या देखकर सोएं रात के पंद्रह मिनट सुबह का पंद्रह मिनट शुड बी कंपलसरी और मेडिटेशन ज़रूर सीखेगा इस समय ज़रूरी है कि हम अपने मन के फिटनेस लेवल को क्या करें बढ़ाएं और जब धन दुआओं के साथ आएगा अन सात्विक आएगा मन प्योर रहेगा तो तन स्वस्थ रहना अपने आप भाग्य श्रेष्ठ हमारा बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट की तरफ ही चलेगा और मैं आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ूँगी अपने कार अकाउंट चुक तो करके जाएंगे साथ नहीं लेकर जाएंगे तो कल से आपके शहर में जितने सेंटर्स हैं उस पर तीन दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स शुरू हो रहा है दो ग्रुप्स बनाए हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे जब आप बाहर चलेंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा जो बहनों ने खुद बनाया है परमात्मा की याद में और ये एक लीफलेट मिलेगा जिसपे शहर के सारे सेंटर्स के नंबर्स दिए हुए हैं तो आप जहाँ रहते हैं आपके पाँच छः किलोमीटर के अंदर मेडिटेशन सेंटर होगा और आप उसमें से फ़ोन करके उस सेंटर पर जाकर कल से वो राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं तीन दिन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन या नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट दो टाइम है सुबह सात से आठ या शाम को छः से सात दोनों में से कोई भी टाइम दोनों में से कोई भी दिन तो निकालना कितना समय है तीन घंटे तीन दिन एक घंटा रोज़ निकाल सकते हैं एक घंटा तीन दिन के लिए निकाल सकते हैं तीन तीन दिन एक घंटा वेरी सिंपल है अपने मन की शक्ति को बढ़ाएं एक छोटा सा अभ्यास जो रोज़ करें और वो रोज़ करने से प्रेजेंट कर्मा भी राइट रहेंगे और पास्ट का अगर कोई कार्मिक अकाउंट आएगा तो बहुत सहज विधि से उसको क्रॉस करेंगे क्योंकि वो हमें समझ मिलेगी और शक्ति मिलेगी कि राइट संकल्प कैसे करना है दो मिनट सीधा होकर बैठें आज जब हम यहाँ से उठेंगे अभी दो मिनट बाद तो हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे और हम घर तक मौन में चलेंगे मौन हमारी शक्ति को बढ़ाता है घर तक अगले पंद्रह बीस मिनट कि मेरे कर्म कौन सा कर्म चेंज करना है कौन सी सोच बदलनी है कौन सा meditation संस्कार एंड कर्म संस्कार इज द हैबिट एंड कर्म इज व्हेन हैबिट इन एक्शन लेट्स से गुस्सा मेरा संस्कार है लेकिन जब मैं गुस्से से सोचती हूँ या बोलती हूँ आपसे तब वो संस्कार मेरे कर्म में